8000 करोड़ का विकास नहीं हुआ है, वो सपने दिखाए हैं, इनका काम है सपने दिखाए, कहीं पे दिखा दे कि वहां पे विकास हुआ हो। आज किस सरकार को कितने नंबर देते हो? सरकार 5 में से 1 नंबर, जदयू का 1 नंबर है, विधायक को 1 नंबर मिलेगा, 7 प्रकार उसने दिखाए थे सपने, 7 में से 1 नंबर सरकार बताए कौन से पूरा होगा, एक भी पूरा नहीं हो सकता। गांव का हाल देख सकते हैं यहाँ पर कितना बुरा हाल है, और जो सीवरेज डाली है वो सारी प्लास्टिक की पाइप डाली है, जो कई जगह धब्बी की है, और अब पानी की पाइप डाली है उसमें जाके देखो खड्डे खड्डे हो रखे हैं। हमारा कुछ ही इन्होंने काम नहीं किया। अब नरेंद्र जुवाना तालका जाके कहता है यहाँ विकास नहीं किया प्रदीप चौधरी ने, तू यहाँ का पार्षद है, एक नंबर वार्ड का, तूने बता दो यहाँ पे क्या काम किया है। तू कालका में बात करता है विधानसभा की, तू अपने वार्ड की बात तो कर ले, अपने वार्ड का पूरा हाल। आप वर्तमान विधायक को 10 में से कितने नंबर दोगे? 0। 10 में से 0 जी। आप वर्तमान में जो विधायक है उनको 10 में से कितने नंबर दोगे? मैं तो ये देवगा जी, जनता का फैसला 2024 तीन समाचार के लिए आज पंचकूला विधानसभा क्षेत्र के शेखरी गांव में पहुंची है। गांव के लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वर्तमान सरकार हालात ठीक है या नहीं। आप जो कई दिन पहले घोषणा की गई है कि 5000 करोड़ रुपए पंचकूला विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए खर्च किया गया है उनके विकास के लिए, आप कितना सहमत है? 5000 करोड़ का विकास नहीं हुआ है, वो सपने दिखाए हैं, इनका काम है सपने दिखाए, कहीं पे दिखा दे कि वहां पे विकास हुआ हो, कहीं पे नाले ब्रोकेज है, कहीं सीवरेज ब्रोकेज है, कहीं पे नाले ढंग से नहीं है, तो कहीं पे पानी ढंग से नहीं है। पब्लिक को पब्लिक अब तैयार है, इनको जुमलेबाजी का उत्तर देने के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा है। समस्या सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे सीवरेज ब्लॉकेज, सीवरेज बिल्कुल छोटा था 8 इंच का पाइप प्लास्टिक का, अब सारे पब्लिक उससे परेशान है, आए दिन ऊपर से पानी की समस्या है, गलियां बिल्कुल हो रखी है, गलियां ढंग से रखा नहीं हो रखी, निकासी तो पानी की है ही नहीं। आप किस सरकार को कितने नंबर देते हो? सरकार 5 में से 1 नंबर, 5 में से 1 जदयू का 1 नंबर है, विधायक को 1 नंबर मिलेगा, 7 प्रकार उसने दिखाए थे सपने, 7 में से 1 नंबर सरकार बताए कौन से पूरा होगा, एक भी पूरा नहीं हो सकता। समस्या दो वर्षों से हल नहीं हुई है, पानी की समस्या। इस सरकार ने आप जैसे लोगों के स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए 5000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, क्या आप किस योग के समझते हो? वो यहाँ लगे हुए आगे ठीक है, लगे हुए नहीं आते। इस सरकार से आप 10 में से कितना नंबर देंगे? नंबर का कितना नंबर देंगे जी? आप कैसे थे पंचकूला विधानसभा के लिए 5000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, उन 5000 करोड़ रुपए में आपको लगता है कि आपके इससे कुछ आया है? 5000 करोड़ जी ऐसे करना जी, विकास होता है ना, दिख जाता है दूर से, आपने बॉम्बे पड़े हैं ना, आपने देखे ही है ना, वो रोड की हालत है, जो मेन रोड है गुरुद्वारे साहब की सड़क आती है, ये पहले बहुत बढ़िया सड़कें थी हमारी यहाँ पे, सीवरेज के नाम से इन्होंने ऐसी कलाई करी ना, सड़कों की नाम कर एक पंटों वाली गली है बीच वाली, वो आप देखना चाहेंगे उसकी हालत क्या है, आप वहाँ पे दिन में नहीं जा सकते, आपको दिन की बात है, उसको काम को लगे हुए कम से कम 6 महीने हो गए, आज तक काम नहीं उसका पूरा हुआ, अभी तो कमर तनाव शुरू हो गया, अभी तो कैसे नहीं होगा काम, 5000 पेंशन धारक है बुजुर्ग 60 साल ऊपर के, उनका क्या हाल है? पेंशन डाल के लिए गरीब मुझे 60 साल गई है, अभी उन्होंने काफी देर के
साढ़े सात साल से इनकी पेंशन लगी नहीं है, गरीबों का बुरा हाल है, सिविल ढूंढने के बाद ठीक नहीं किया गया है, बुजुर्गों की पेंशन भी नहीं है, स्वास्थ्य के लिए छोटे मोटे के नाम पर बोली कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, 5,000 करोड़ हवा हवाई है, यहाँ गांव वालों तक ये जानकारी भी नहीं है कि विधानसभा पंचकूला में 5,000 करोड़ लोगों का टैक्स के रूप में दिया गया, पैसा खर्च किया गया है, यानी भोले भाले किसान जो भाई बैठे हुए हैं इनको अपने विकास के उस मुख्य धारा का कोई अंदाजा भी नहीं है। जी आप वर्तमान में जो विधायक है उनको 10 वर्ष से कितना नंबर बढ़े? मैं तो ये देवगा जी साल में मेरे गाँव में आए हैं, जो हमारे मांगों तरफ नहीं है वहाँ पे आते हैं वहाँ से मिल जाते हैं। ये हमारा गाँव है किसान प्रधान गाँव, उनको हर एक पते का प्रवेश करना हक है, ऐसे किसानों के साथ हुआ, हमने भी वहाँ पे कराया संघर्ष किया, हमने खुद भी जाते आते नहीं हमारे किसान जाने लगे, उन्हें कौन से वहाँ बड़ों गुजर गए हैं, हमारी बात दूसरी पार्टियों में सुनती है, आप भी सुनो जी। बहुत अच्छा, यहाँ वाले नायक मुल्क पर आज तक गाँव में कभी आया नहीं, इनकी सुध नहीं ली कि इनका क्या हालचाल है, इसलिए ये 10 में से 0 नंबर यहाँ के विधायक को देते हैं। कागजों में मिले हैं इनको? हमारे पास कुछ नहीं आया, गांव का हाल देख सकते हैं यहाँ पर कितना बुरा हाल है, और जो सीवरेज डाली है वो सारी प्लास्टिक की पाइप डाली है, जो कई जगह धरती की है, और अब पानी की पाइप डाली है उसमें जाके देखो खड्डे खड्डे हो रखे हैं, हमारा कुछ इन्होंने काम नहीं किया। अब नरेंद्र जवाना तालका जाके कहता है यहाँ विकास नहीं किया प्रदीप चौधरी ने, तू यहाँ का पार्षद है एक नंबर वार्ड का, तूने बता दो यहाँ पे क्या काम किया है, तू कालका में बात करता है विधानसभा की, तू अपने वार्ड की बात तो कर ले, अपने वार्ड का पूरा हाल, यहाँ पे राशन कार्ड करके पेंशने नहीं लग रही लोगों की, कई गरीब ऐसे घर है जिनको राशन बंद किया इन्होंने, बताओ क्या करें, बीपीएल कार्ड काट दे रहे हैं, राशन लेने वाले की संख्या बहुत कम कर दी गई है, बुजुर्गों की पेंशन नहीं हो रही है, 6-6, 7-7 साल से पेंशन के इंतजार में बैठे हैं, या के विधायक आकर मुल्क को कभी या देखते नहीं है, विकास की लहर हर जगह 5,000 करोड़ हवा हवाई, जनता तरसती है विकास के नाम पर झूठे तार झूठे वादे करके जनता को बहकाया जा रहा है। अब नंबरदार जी आप वर्तमान विधायक को 10 में से कितने नंबर देंगे? 0। 10 में से 0। इस सरकार को कितने नंबर देंगे? सरकार को भी 0। यहाँ पे पैसे का काम नहीं किया सरकार ने, अब आप ये बताओ यह सरकार नहीं तो कौन सी पार्टी कौन सा व्यक्ति लगता है आपको कि उसको विकास करेगा? हम यह नहीं कहते भाई कोई भी सरकार आए काम करने वाली आए, जो गांव में शहरों में काम करे, आपके काम नहीं हुए आप किस कहते नहीं, आपने कितनी बार विधायक के पास गए हो या कहां कहां आपने आवाज उठाई है? हमने सीएम बिंदुओं में भी लगा रखी है, सारी जगह लगा रखी है, यहाँ ये देखो जी ये जगह है सड़क की रास्ता है, ये दबा रखा है बीजेपी के हुए है, ठीक है, हमने इसकी कंप्लेन भी कर सकते हैं, ये रास्ते की जगह आपके सामने है। अब जब हम सीएम बिंदुओं पे भी गए उन्होंने भी हमारी 0 कर दी, सुना ही नहीं, तुम्हारा फैसला हो चुका, फैसला कब हुआ? हमारा कोई फैसला नहीं हुआ, सरकार सत्ता के इच्छा की तौरों के हित के लिए जनता की आवाज दबा रही है, सीएम विंडो तक शिकायत करने के बाद कोई निर्णय नहीं मिलता, कोई न्याय नहीं मिलता, उन्हीं की पार्टी के कुछ चुनिंदा लोग इस गांव में जबरदस्ती करते हैं, घेराबंदी करते हैं, यह आम जनमानस का दर्द सामने आ रहा है, ऐसे कई ऐसी समस्या बताओ जो वर्षों से स्केटरी गांव में अभी विद्यमान है हल नहीं हो पाई। सबसे बड़ी है हमारी ग्राउंड है हमारे प्लेयर बच्चों के लिए, और दूसरा पानी की दिक्कत है यहाँ पे, नहरी पानी आज का मनसा देवी तक यहाँ तक नहीं उन्होंने सप्लाई की, हमने कई बार
डीसी को भी लिख के दे दिया और विधायक को भी लिख के दिया, पर कुछ यहाँ पे हुआ नहीं अभी तक। बहुत अच्छा जी, हम आपकी आवाज सत्ता के गलियारे तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे।